नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मेरे सभी प्यारे बच्चों, मुझे लेट है लेकिन पता नहीं क्या टेक्निकल इशू था कि आज ही के दिन दो क्लास दिख रही थी। एक क्लास बेल पर थी, पुलिस से संबंधित थी, एक क्लास आज की थी जो पुलिस के अधिकार से संबंधित थी। क्योंकि मुझे आज पुलिस का अधिकार पढ़ाना था, इसलिए मैंने कहा कि सारे बच्चों को बता दें, उस क्लास को शिफ्ट कर दें आगे के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा सा डिले हुआ। आप मुझे जल्दी से बताएं क्या मेरी आवाज स्पष्ट है, सब कुछ ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं एक बेहद रोचक टॉपिक में और बड़े महत्वपूर्ण विषय में। बहुत अच्छे, चलिए। आनंद भाई, राज, रीचु, हलीमा, प्रद्युमना, पूजा, खुशी, वैदेही, निशा, प्रिया ग्वाल, राहुल राव, बहुत अच्छा। तो आप सभी को किस बात की शुभकामनाएं? आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत के इस पर्व की, जहां बेटा निश्चित रूप से हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, राम को और राम के आदर्शों को याद करते हैं। क्यों? धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए मैं एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको देता हूं दो मिनट का, उसके बाद अपने टॉपिक में चलूंगा। क्योंकि आज सब कुछ लिख कर लाया हूं, टॉपिक इसलिए लिख कर लाया हूं क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी पिक्यूलियर डिटेल है, तो मैंने कहा केवल पढ़ा के चले जाएंगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी नोट्स बनाने में। देखिए, दो विषय है। पहला विषय ये है कि ये जो पुलिस की वर्दी है, ये हमेशा से बड़ी फैसिनेटिंग रहती है हम बच्चों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए भारत में। क्योंकि मैंने आपको बताया है, पुलिस, पुलिस की वर्दी, पुलिस से जुड़े अधिकार, पुलिस का अत्याचार, अंग्रेजों का शासन, उसके बाद वगैरह वगैरह, ऐसी तमाम चीजें हैं बेटा जो पुलिस को लेकर हमारे मन और हमारे दिल में एक अलग सी ऊर्जा पैदा करते हैं। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, बहुत सारे बच्चों के घर वालों का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को पुलिस की वर्दी में देखें। जब मैं आपसे यूपीएससी की बात करता हूं, जब मैं आपसे जुडिशियल सर्विसेज की बात करता हूं, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जब एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप उन विषयों को भूल जाते हैं। जैसे आप ज्योग्राफी की बात कर सकते हैं, आप हिस्ट्री की बात कर सकते हैं, आप हिंदी साहित्य की बात कर सकते हैं। ये सारे विषय बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है, 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल की सेवा के बाद, मुझे याद है 2016 बैच की एक एसडीएम थी, तो मेरी उनसे फोन पे बात हो रही थी, तो कोविड का पीरियड था। मैंने उनसे एवीडीसी की चर्चा की, रूल ऑफ लॉ की चर्चा की, गरीबों से जुड़े सामाजिक न्याय की चर्चा की। शी वॉज लाइक ब्लैंक, कहा हाँ सर। मैंने कहा अरे रूल ऑफ लॉ तो पढ़ी होंगी? कहा अरे सर पढ़ने को तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं। मैंने कहा अरे, तो मेरे कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे विषय हैं जब एक बार सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आप भूल जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं बेटा जिन्हें आप जीवन भर नहीं भूलते। इनफैक्ट भूलना तो छोड़ दीजिए, आपको ये सिखाया जाता है आपके एकेडमी में, आपको ये सिखाया जाता है आपके वर्किंग में, आपके सीनियर के द्वारा, कि आपको इन विषयों को याद रखना है। और हमेशा जब तक आखिरी दिन, आखिरी घंटे, आखिरी मिनट तक आप अपनी चेयर पर बैठेंगे, आईपीएस बन के, आईएएस बन के, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन के, उसे आपको याद रखना है। तो बहुत सारे बच्चे इन विषयों को तैयारी के समय नहीं पढ़ पाते हैं और बहुत सारे बच्चे इन विषयों को इग्नोर कर देते हैं कि ये जुडिशरी से संबंधित विषय है। लेकिन आपको समझना होगा, ये जो पुलिस है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो सिविल सर्विसेज है, ये सारे विषय जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं या इससे जुड़े हुए जो विषय हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे क्या शेयर करूंगा? मैं आपसे कुछ बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा, कुछ धाराएं शेयर करूंगा, पुलिस के अधिकार की बात करूंगा। क्योंकि पुलिसिया अत्याचार की हम लोगों ने चर्चा कर ली। मेरे घर में लोग कह रहे थे अरे पुलिसिया प्यार लेक्चर है क्या, पुलिसिया अत्याचार तो हो चुका है। मैंने कहा अरे भाई, पुलिस केवल अत्याचार नहीं करती है, पुलिस की वजह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है। पुलिस के पास कुछ बेसिक अधिकार है, कुछ फंडामेंटल अधिकार है, तो आज उन अधिकारों की चर्चा करेंगे चैप्टर 5 किसका, सीआरपीसी का। सीआरपीसी की तमाम धाराएं हैं जो पुलिस के अधिकारों से जुड़ी हैं, तो मन से पढ़ेंगे, आनंद आएगा। आप लिखने और समझने के लिए तैयार रहना, कोई भी डाउट होगा तो यहां ले लेंगे और टेलीग्राम पर ले लेंगे। क्यों भाई, ठीक है? चलो मैं बढ़ता हूं आगे। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं इस देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, इन तमाम कारणों के साथ जो आपको सफल बनाने के लिए मोर देन सफिशियंट है।
ये देश के सभी लीडिंग एजुकेटर्स हैं, इनकी फोटो डेली आपको दिखाता हूं क्योंकि मैं आपके मन में एक विश्वास पैदा करना चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कैरियर, आपके जीवन की जो कमान है वो सही हाथों में है। ये दो तीन बार बता दूंगा क्योंकि कुछ बच्चे अभी होंगे, बीच में आएंगे, लास्ट में आएंगे। बेटा इस समय दीपावली का गिव अवे ऑफर चल रहा है, इस समय फ्लैट 25% यूपीएससी पर ऑफ चल रहा है। फ्लैट 25, व्हाट डज इट मीन? अभी तक अनअकैडमी मैक्सिमम फ्लैट 20 दी है, लेकिन ये पहली बार है कि बेटा आप एक साल से ऊपर किसी भी कोर्स से जुड़ोगे तो आपको फ्लैट 25 मिलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो सब्सक्रिप्शन बेटा प्लस का होना चाहिए, ठीक है? और ऐसा नहीं है हमेशा रहेगा, जो शुरुआत के 300 एडमिशन है केवल उनके लिए। तो मेरा जो रेफरल कोड है APSIR10, इस बार APSIR10 नहीं यूज होगा, इस बार ये वाला रेफरल कोड यूज होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को आगे भी दूंगा, ठीक है? चलो, तो मैं शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट से करना चाहता हूं। दोनों ही जजमेंट की चर्चा मैंने आप लोगों से पहले भी की है, आज भी करना चाहता हूं। 1994 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय बेटा एक बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट के साथ आती है। उस जजमेंट का नाम है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। लिख कर नहीं लाया हूं, आप लिख लेना, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जो जज साहब थे जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णय दिया, उन जज साहब का नाम था बेटा वेंकटचलिया। वेंकटचलिया का नाम आप लोग लगातार सुन रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ सुना, फिर कल एक आपको जजमेंट बताया, लॉ कमीशन के बारे में बताया, आज फिर वेंकटचलिया की चर्चा कर रहा हूं। वेंकटचलिया जी का बड़ा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसमें वेंकटचलिया साहब पुलिस के लिए कह रहे हैं कि देखो भैया, इस देश के पुलिस वालों, चाहे तुम सिपाही हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे आईपी हो, किसी भी रैंक के हो, वेंकटचलिया साहब इस देश के पुलिस वालों से बेटा कह रहे हैं कि ये देश के पुलिस वालों सुनो, समझो, आपके पास गिरफ्तारी की ताकत है, बिल्कुल सही बात है, आप किसी व्यक्ति को शक के आधार पर, अपराध करने के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन वेंकटचलिया साहब 1994 में इस देश की पुलिस से कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की शक्ति का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम गिरफ्तार कर ही लोगे। व्हाट डज इट मीन? कहने का मतलब है बेटा कि आपके पास पावर है, ये एक विषय है, लेकिन यार उसका लॉफुल जस्टिफिकेशन बिल्कुल अलग विषय है। ऐसा थोड़े तो मन मर्जी है, जिसको चाहा उठा लिया। लेकिन वेंकटचलिया साहब ये भी कहते हैं कि हम ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि पुलिस की जो शक्ति है उसे आप बिल्कुल अंडरमिन कर दीजिए, कमजोर कर दीजिए, फ्रेगमेंट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये पुलिस है बेटा। आर्मी तो बॉर्डर संभाल रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तो अपने अपने काम में लगे हैं, ये तो हमारे तुम्हारा जो सिविलियन जीवन है इसमें तो पुलिस ही है ना, जो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रही है, पब्लिक ऑर्डर को रिस्टोर कर रही है, छोटी से छोटी घटना हम लोग तुरंत डायल हैंडेड करते हैं। तो वेंकटचलिया साहब 1994 में, आप समझिए, आज से लगभग 18-19 साल, अरे आज से लगभग 30 साल पहले कह रहे हैं कि पुलिस के अधिकार बड़े महत्वपूर्ण हैं, हमें उसे खत्म नहीं करना है। हाँ, थोड़ा अकाउंटेबिलिटी को ज्यादा ले आए, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा ले आए। उसके 2-3 साल बाद एक बेहद महत्वपूर्ण फिर से एक जजमेंट आता है डीके बसु का, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मैंने कई अवसरों पर चर्चा की है। डीके बसु के जजमेंट में जज साहब वही थे जस्टिस आनंद, जिनके कई जजमेंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, सीबीआई के ऊपर पढ़ा चुका हूं, पुलिस के ऊपर पढ़ा चुका हूं। डीके बसु साहब बड़े लर्नेड व्यक्ति थे, हमारे बीएचयू में भी उन्होंने सेवा दी है, दिल्ली विश्वविद्यालय में दी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में भी उन्होंने सेवा दी है। तो बेटा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन हुआ करते थे उस समय। बेटा जेलों में बड़े लोग मारे जाते थे और जेलों में बड़ा अत्याचार होता था, जो जेल में बंद कैदी थे। तो इन्होंने चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और फिर उसे बेटा रिट पिटीशन मान लिया गया। डीके बसु में बहुत सारी गाइडलाइन आई, मैंने कई अवसरों पर पिछले 2 सालों में आप लोगों को पढ़ाया है कि पुलिस गिरफ्तार तो करेगी लेकिन गिरफ्तारी के साथ पुलिस को क्या क्या एहतियात बरतने पड़ेंगे। ये डीके बसु का जजमेंट था जस्टिस आनंद का। तो ये सारे सेफगार्ड थे। और ये बात पक्की है कि जब भी बेटा स्टेट का विषय आता है, जब भी सोसाइटी का विषय आता है, जब भी पब्लिक का विषय आता है, जब किसी एक व्यक्ति का विषय आता है, तो कहा जाता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करना सोसाइटी के हित में है। लेकिन उस व्यक्ति का भी अपना फंडामेंटल राइट है, सोसाइटी का भी अपना फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है बैलेंस बिठा लो कि वो जो एक व्यक्ति है उसका फंडामेंटल राइट भी ना वायलेट हो, और मान लीजिए अगर गिरफ्तार करना ही है तो इतने सारे सेफगार्ड दे दो कि सोसाइटी का भी भला, उस व्यक्ति का भी भला। मेरा लेक्चर ये नहीं है कि पुलिस गिरफ्तार ना करे, मेरा लेक्चर ये भी नहीं है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस कौन कौन से एहतियात बरते, मेरा लेक्चर ये है कि पुलिस के पास क्या अधिकार है। 5-7 धाराओं की चर्चा करूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट विषय हैं। आप केवल एक विषय ध्यान रखना कि जो धारा है उसे याद कर लेना, कानून एक ही है सीआरपीसी, केवल सीआरपीसी की धाराएं लेकर आया हूं।
आप केवल उन धाराओं को याद कर लेना, उनके जो कीवर्ड्स हैं, पूरा प्रोविजन तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उसमें जो कीवर्ड्स हैं, जो महत्वपूर्ण टर्म यूज हुए हैं उसे मैंने हाईलाइटेड किया, इटैलिक कर दिया है, उसे लिख लेना और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। डीएम बनोगे तो जरूरत, एसपी आईपीएस बनोगे तो जरूरत, एसडीएम बनोगे तो जरूरत, डीवाईएसपी बनोगे तो जरूरत, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनोगे तो जरूरत, खुदा न खास्ता कोई नौकरी ना मिले, पढ़ोगे तो ऐसा संभव है, खुदा न खास्ता कोई नौकरी ना मिले तब तो और ज्यादा जरूरत कि भैया पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी, पुलिस का क्या अधिकार है, क्योंकि बेटा पता है पुलिस को देख के डर लगता है, लगना भी चाहिए, पुलिस की मोडस ऑपरेंडा इस बात पर टिकी है कि पुलिस डराती है और उस डर से बेटा 70-80% अपराध समाज में नहीं होते, ठीक है। चलो अखिलेश आदित्य, अरे भाई वो जो पुराना वाला लिंक था बेल वाला उस पर जाके बता देना, ऐसा ना हो बच्चे उस पर वेट कर रहे कि सर दूसरी क्लास में लाइव। तो मैं जो सबसे पहली धारा है बेटा वो आपसे साझा करना चाहता हूं, वो धारा है धारा 41, ध्यान से समझना। बेसिकली बेटा पुलिस जो गिरफ्तार करती है ना किसी भी व्यक्ति को, देखो ये किसको गिरफ्तार करके ले जा रही है, ये कानपुर वाला जो बदमाश है महाकाल में पकड़ा गया था, ठीक है ना, क्या दुबे वगैरह कुछ इसका नाम था। तो जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो हमेशा याद रखना बेटा इसी धारा का इस्तेमाल करके पुलिस गिरफ्तार करती है और दूसरी कोई धारा नहीं है, मतलब 99% जो गिरफ्तारियां इस देश में होती हैं इसी धारा के अनुरूप होती है, यही अधिकार देती है पुलिस को गिरफ्तार करने का। लेकिन यह अधिकार मिलता कब है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि अधिकार कब मिलेगा, कब पुलिस हमें गिरफ्तार करेगी। मैं धारा 41 पढ़ाता हूं, समझाता हूं, हिंदी वर्जन कुछ देर में आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में, आप कोशिश करना कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, ठीक है। चलो मैंने धारा 41 में आपके लिए लिखा कि व्हेन पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि धारा 41 बेटा पुलिस ऑफिसर को यह ताकत दे रही है, किस बात की ताकत दे रही है कि वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे और कब गिरफ्तार करे बिना वारंट के। व्हाट डज इट मीन, कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है धारा 41 की शक्ति का यूज करते समय। ऐसे तो बेटा आप कहते हैं ना यू आर अंडर अरेस्ट, वारंट कहां, ये है वारंट, ना 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 ना, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां वारंट की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ता हूं तुम्हें सुओ मोटो समझ में आ जाएगा। एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। कहने का मतलब है बेटा कोई भी पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या बिना मजिस्ट्रेट से वारंट लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, यदि, कब गिरफ्तार कर सकता है न्यायालय से पूछने की जरूरत नहीं है, यदि Who has been, मतलब मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए, इफ मिस्टर ए हैज बीन कंसर्न इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। कहने का मतलब है यदि पुलिस वाले को लगता है कि जो मिस्टर ए हैं उन्होंने कोई संज्ञेय अपराध किया है। अब क्या संज्ञेय है क्या असंज्ञेय है, मतलब कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, ये सीआरपीसी में बतलाया गया है। हम लोग मान के चलते हैं जो बड़े बड़े अपराध है, बड़े बड़े अपराध मतलब जिनकी सजा 3 साल से ज्यादा है, हम मान के चलते हैं वो संज्ञेय है ना। वैसे ये शेड्यूल में दिया हुआ है क्या संज्ञेय है क्या असंज्ञेय है, क्या बेलेबल है क्या नॉन बेलेबल है। यहां पर बेटा बेलेबल नॉन बेलेबल की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है यदि कोई व्यक्ति बेटा संज्ञेय अपराध में संलग्न है या जिसके खिलाफ रीजनेबल कंप्लेंट की गई है, मतलब मिस्टर ए के खिलाफ किसी व्यक्ति ने रीजनेबल कंप्लेंट किया। रीजनेबल कंप्लेंट मतलब कंप्लेंट पढ़ के लग रहा है गिरफ्तार करना जरूरी है, रीजनेबल है, ठीक है, रीजनेबल का केवल कंप्लेंट नहीं, रीजनेबल तार्किक शिकायत है ना, जिसमें से तर्क निकल के आ रहा है, या जिसके खिलाफ मिस्टर ए के खिलाफ यदि बेटा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है। ए के अब तक 56 देखा है तुम लोगों ने, या पुलिस पर आधारित कोई मूवी देखी है, पिक्चर देखी है, पुलिस अपना काम कैसे करती है, पुलिस अपना काम मुखबिरों के आधार पर करती है। तो बेटा मुखबिर क्या होते हैं, जो सूचना देते हैं अपराध की, अपराधी की, होने वाले अपराध की, जो अपराध हो चुका, जो अपराधी भागा है। तो ये जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है ये बड़े इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी दे सकता है ना। अब जैसे एपी सर बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं,
एपी सर ने लोकल थाने में फोन किया कि मुझे लगता है कि दो डकैत सामने वाले घर में छुपे हैं। तो चूंकि एपी सर सम्मानित व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं है जो वैक्सेसियस हैं और ऐसे व्यक्ति नहीं है जो फ्राइवोलस हैं, और पुलिस कहेगी कि अरे यार एपी सर बोल रहे हैं, लॉ के जानकार हैं, देखना, मतलब कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो सकती है, विश्वसनीय, मतलब ये साबित करना होगा अपने सीनियर को, कोर्ट को साबित करना पड़ सकता है कि हमने किसी व्यक्ति को बिना आपसे पूछे योर लॉर्डशिप गिरफ्तार किया, हमारे पास विश्वसनीय जानकारी थी, ठीक है, या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ इज हैविंग बीन सो कंसर्न्ड, या जिसके खिलाफ बेटा हमें तार्किक शक हो, मतलब कोई कंप्लेंट नहीं है, उसने कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया, आप समझिएगा, और उसके लिए कोई सूचना हमें नहीं मिली है, लेकिन पता नहीं हमें क्यों शक हो रहा है उसको कुछ। एक बार क्या हुआ, मैं अपने बड़े मामा जी के साथ गया था अपने गांव की तरफ, छोटा था, आठवीं नौवीं थे, तो मेरे मामा जी को पता नहीं क्या शौक था दाढ़ी रखने की, तो लोकल SHO की किराकत थाने की गाड़ी जा रही थी, हमारा किराकत थाना हमारा पड़ता है भाई, थोड़ी देर में क्या हुआ, वो सारे पुलिस वाले उतर गए मामा को चेक करने लगे, मामा डर गया, हम डर गए, हम छोटे से बच्चे थे, 6th-7th में पढ़ते होंगे, जबकि मेरे फादर पुलिस अधिकारी, क्यों, क्योंकि बेटा मामा को देखकर उसे शक हुआ कि ये अपराधी है, आप समझिएगा, मतलब पुलिस वालों की जो मोडस ऑपरेंडाई है वो 85% शक के आधार पर चलती है, जिसके लिए शक है। अब आप कहेंगे सर ये तो गलत है, मैं कहूंगा बेटा मैं फिर से कहता हूं, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है महाभारत का संजय, पुलिस वाले बेटा संजय नहीं है, आंख बंद किया और पता चल गया किसने अपराध किया या कौन अपराध करने वाला। कहा जाता है ये जो पुलिस वाले होते हैं, वकील होते हैं और ये जो जज होते हैं, इनकी आंखों में दिव्यता प्राप्त होती है, जैसे आपके साथ 2 मिनट बात करेंगे और बता देंगे आप गिल्टी हो कि नहीं हो, ऐसे ये प्रोसीड्योर नहीं है, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं। धारा 41 कह रही है यदि किसी पुलिस वाले को ये रीजनेबल सस्पिशन है, कुछ तो गड़बड़ है, झोला है, तो मैंने आपको 4-5 विषय पहले क्लॉज में बताए जहां मिस्टर ए को बेटा पकड़ा जा सकता है बिना वारंट के, बिना कोर्ट के पूछे। वैसे नियम यह है जिस व्यक्ति को आप पकड़ रहे हैं और जिस कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना है, क्योंकि सजा तो पुलिस देती नहीं है, सजा तो कोर्ट देती है, तो कोर्ट से पूछ लो, कोर्ट को बता दो, कोर्ट से वारंट ले आओ, भैया जजमेंट तो कोर्ट को देना है ना, प्रॉपर्टी किस बात में है, कोर्ट से पूछ लो। किसी व्यक्ति को एडमिशन में दिक्कत है, आप समझिए, किसी व्यक्ति को एडमिशन में दिक्कत है, कोई व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, एट द लास्ट किसका रेफरल कोड यूज कर रहे हो, एपी सर का, तो एपी सर से एक बार बात कर लो अगर कोई दिक्कत है, कोई शक है तो, क्यों। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि बेटा गिरफ्तार करना है तो कोर्ट से पूछ लो, ऐसा माना जाता है, लेकिन हो सकता है बेटा इतना समय ना हो कि जाएं कोर्ट से पूछें, कोर्ट जिस दिन बैठी हो उस दिन जाएं, जज साहब को सेटिस्फाइड करें। तो पुलिस को यह अधिकार दिया गया, अगर ये चारों विषय है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, इन चारों विषयों में भुजबल आप बेटा कल को डेप्यूटी SP बन जाएंगे, SP सिटी बन जाएंगे, आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है एनी पुलिस ऑफिसर, ठीक है। चले आगे, इतना समझ में आया सबको, वेरी गुड अरुण दीक्षित, बहुत अच्छे। सुधीर चौधरी, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब या पुलिस अधिकारी को लगता है कि जो मिस्टर ए हैं, ही हैज इन हिज पोजीशन विदाउट लॉफुल कॉज एक्सक्यूज एनी इंप्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग। कहने का मतलब है बेटा, एक अपराध होता है कहां पे, IPC में, घर को तोड़ने का, मतलब कोई व्यक्ति आपके घर में घुसा, तोड़ दिया, वो अपराध है। मान लीजिए कोई सामान वगैरह लेके भी भाग गया, अब वो थेफ्ट का मुकदमा है, अलग है थेफ्ट का विषय, लेकिन हाउस ब्रेकिंग हुई, हाउस ब्रेकिंग के माध्यम से कोई सामान गायब हुआ। अब पुलिस वाले को पता चला कि मिस्टर ए के पास ऐसा कोई विषय है, ऐसा कोई सामान है, ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर है जो हाउस ब्रेकिंग की वजह से उसके पास है, और उसके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन, लॉफुल जस्टिफिकेशन कैसे होगा। मान लीजिए उनके ऊपर शक है कि उनके पास कोई ऐसा विषय है जो हाउस ब्रेकिंग से मिला है, मिस्टर ए ने बिल दिखा दिया फ्लिपकार्ट का, क्या बात कर रहे हैं, क्या ऐसी घड़ी, क्या ऐसा लैपटॉप, क्या ऐसा मोबाइल, क्या ऐसा AC, क्या ऐसा चिमनी, क्या ऐसा सामान केवल चोरी से मिल सकता है, फ्लिपकार्ट अमेजन से नहीं मिल सकता, लॉफुल जस्टिफिकेशन। दूसरे लॉफुल जस्टिफिकेशन हो सकते हैं, मिस्टर ए के पास मिस्टर बी के
घर से हाउस ब्रेकिंग के द्वारा ली हुई वस्तु मिली। मिस्टर ए को पुलिस ने पकड़ लिया कि मिस्टर बी का घर तोड़ा गया था, चमान लेके भागा गया था, तुम्हारे पास कैसे मिला? तो मिस्टर ए कहेगा कैसे क्या मिला, मिस्टर बी मेरा दोस्त है, वही दिया है, उसका घर टूट गया तो हम क्या करें, उसके पास एक रंग के 5 कपड़े, एक रंग के 5 घड़ी, एक रंग के 5 लैपटॉप थे, हम गए थे उसने दे दिया हमको। तो कहने का मतलब है यदि लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है और ऐसा कोई विषय पोजीशन, मतलब समझ रहे हैं रहना, ऐसा कोई पोजीशन स्थापित हो रहा है जो हाउस ब्रेकिंग के माध्यम से, समझ रहे, हाउस ब्रेकिंग के माध्यम से आपके पास मिल रहा है, तब तो बेटा पुलिस बिना पूछे कोर्ट से गिरफ्तार कर सकती है, यह पुलिस का अधिकार है। आगे बढ़ता हूं, तीसरा विषय, हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर अंडर दिस कोर्ट और बाई एनी अदर कोर्ट। व्हाट डज इट मीन प्रोक्लेम्ड, मतलब क्या होता है बेटा, भगौड़ा। ये बेटा भगौड़ा कौन होता है, जो लॉ से भाग रहा है, लॉ के किसी प्रोसेस से भाग रहा है, पुलिस से भाग रहा है, मतलब आप समझिए लॉ बुला, लीगल मशीनरी बुला रही, आके बयान दे दो भाग रहे हैं, आके डॉक्यूमेंट दे दो भाग रहे हैं, आके अपने टेस्टिमोनी दे दो भाग रहे हैं, आके बता दो तुमने अपराध किया है कि नहीं भाग रहे, मतलब भाग रहे हैं, ऐसा भाग रहे हैं पुलिस को मिल ही नहीं रहे। तो बेटा आपको पता है फिर पुलिस क्या करती है, धारा 82 सीआरपीसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पुलिस कहती है आपको भगौड़ा घोषित कर देंगे। भगौड़ा घोषित होने के बड़े गंभीर परिणाम होते हैं, खैर मुझे उस परिणाम में नहीं जाना, उस लॉ में नहीं जाना। यदि किसी व्यक्ति को बेटा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित साबित कर दिया जाए, भगौड़ा, भाग रहा है, जहां पकड़ लिया जाएगा, पुलिस बेटा कोर्ट से पूछने नहीं आएगी, प्रस्तुत करेगी कोर्ट के सामने, लेकिन यह बहुत बड़ा ग्राउंड है कि ये मिस्टर ए भगौड़ा है, इसके सूचना है हम लोगों के पास। तुमको लगता होगा पुलिस ये सारी सूचनाएं कैसे एक दूसरे को देती है, अब तो जमाना बड़ा हाईटेक है, पुलिस के पास अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन को लेकर ग्रुप होता है। अगर तुम लोगों का कोई दोस्त पुलिस अधिकारी होगा तो तुम लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कोई गुमशुद खो गया उसका अलग ग्रुप, उसमें 2500 पुलिस वाले एक राज्य के, भगौड़ा के लिए अलग ग्रुप, इसके लिए अलग ग्रुप। तो जैसे ही कोई जानकारी आती है ना कि ये मिस्टर ए भगौड़ा है, मिस्टर ए के भगौड़ा वाले ग्रुप में डाल दिए, सबको पता चल गया। अब मान लो बेटा कोई पुलिस वाला चाय पी रहा है और भगौड़ा आदमी भी वहीं आया कि यार दो कड़क मलाईदार चाय बना, कहेगा रुको तुमको पकड़ लेते हैं, अरे हम क्या किए, कहेंगे ये देखो तुम भगौड़े हो ना, कहेगा अरे आपको कैसे पता, कहा हमें सब पता। तो अगर भगौड़ा है तो जिसके जुरिस्डिक्शन में मिलेगा वो पकड़ लेगा, फिर वहीं उसका ट्रायल नहीं चलेगा, वापस उसको भेजा जाएगा जिस कोर्ट ने उसे भगौड़ा साबित किया है, जिस पुलिस के माध्यम से वो भगौड़ा बना है, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति भगौड़ा है, भगौड़ा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो ही और शी मे बी अरेस्टेड। और जब मैं ही बोल रहा हूं तो ऐसा कोई नहीं समझेगा मैं शी को नहीं बोल रहा हूं, महिलाएं भी अपराध करती हैं, समझे। हाँ प्रिया ग्वाल, ये मत कहना कि सर महिलाओं के बारे में नहीं बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, यदि मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए के पास बेटा ऐसा कोई पोजीशन मिला है ना, एक पोजीशन था हाउस ब्रेकिंग वाला, अब मैं कह रहा हूं यदि मिस्टर ए है प्रिया, उनके पास रोशन, मधु, योग्यता, वर्णिका, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कोई पोजीशन मिला है जिसके लिए बेटा तार्किक संदेह उत्पन्न हो रहा है कि ये चोरी की प्रॉपर्टी है, समझिएगा मेरी बात, और इस व्यक्ति ने इस चोरी से जुड़ी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई अपराध भी किया है, मतलब अब आप ध्यान से समझिएगा, धारा 410 बेटा भारतीय दंड संहिता की चोरी की प्रॉपर्टी की बात करती है, स्टोलन प्रॉपर्टी, 410 भी, 411 भी, 412 भी, 13 भी, वगैरह वगैरह। चोरी करना एक अपराध, चोरी की प्रॉपर्टी लेना, बहुत लंबे समय तक बेटा एक कंफ्यूजन थी दिल्ली को लेकर, एक बाजार है पालिका बाजार, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कनॉट प्लेस के एकदम पास में है ना, कनॉट प्लेस के नीचे अंडरग्राउंड में, अरे साहब वहां बड़ा सस्ता सामान मिलता है, चोरी का सामान मिलता है, गलत है ये वैसे। एक मार्केट है गफार मार्केट, अरे गफार मार्केट में जाइए, बहुत सारे लोग गलत धंधा भी करते हैं, आपको एप्पल आईफोन 10,000 में मिल जाएगा, 5,000 में मिल जाएगा, कहने का मतलब है हो सकता है कोई ऐसा करता, लेकिन उसे और हमें यह पता होना चाहिए कि जिस तरह चोरी करना एक अपराध है, चोरी के विषय को लेना भी अपराध है। जैसे मेरे पास कोई व्यक्ति आया, उसने बड़ा अच्छा 1,00,000 का लैपटॉप दिया, कहा गुरुजी 12,000 में ले लीजिए, बहुत जरूरत है, या आप गजब पढ़ाते हैं, हम सोचे आपको 12,000 में दे दें, गुरुजी प्रसन्न,
वाह भैया 1 लाख का मैकबुक 12,000 में। अब गुरुजी प्रसन्न, मतलब गुरुजी को एक रीजनेबल डाउट होना चाहिए था। अब मुझे ना पता हो तब अलग बात है, जैसे 1 लाख का लैपटॉप है मैंने 70,000 में खरीद लिया तो चलो ठीक है भैया कि रीजनेबल वो है कि हमें ये नहीं समझ में आया चोरी का है। लेकिन यदि बेटा कोई बिल्कुल अनरीजनेबल है कि भैया कोई बहुत सस्ती चीज मिल रही है, या तो हमें प्रत्यक्ष तौर पर पता है कि ये चोरी का आइटम, तब भी पुलिस वाला हमें पकड़ सकता है, हमें बुला सकता है, हमारे खिलाफ FIR कर सकता है कि चोरी के विषय में डील करते हो, चोरी से जुड़े सामान से जुड़ा कोई अपराध किए हो बिना कोर्ट से पूछे, बिना कोर्ट के वारंट के। ये पुलिस की ताकत है। ये पुलिस को लगता है अरे ये रीजनेबली है चोर, पक्का चोर है, चोर मतलब चोरी का सामान इसके पास है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए यदि मिस्टर ए की, मिस्टर ए बो है, तो बेटा मिस्टर ए मिस्टर बो को मिसेज बो को यदि कोई सामान देते हैं तो बेटा इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, मतलब इनके ऊपर मुकदमा नहीं होगा, ठीक है ना। बो मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पत्नी है, चोर आया चोरी करके अपनी पत्नी को दे दिया तो ये नहीं कहा जाएगा कि चोरी की प्रॉपर्टी में डील कर दिया, जो उसका पति है घर आया उसको पकड़ो, ठीक है ना। अब ये साबित हो जाए कि कंप्लीस है, ये साबित हो जाए ये अबेटर है, ये साबित हो जाए कॉन्स्पिरेटर है, ये मतलब ये साबित हो जाए अगर अपराध में हिस्सा ले रही है तब अलग बात है। हम कहे भाई बता दें, कंफ्यूजन ना हो। क्यों पूजा सर, अगर मैं पुलिस को मार दिया तो मेरे ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? अरे कुछ नहीं, वही 300, 299, 302, ज्यादा नहीं, डेथ पेनाल्टी जिंदगी भर जेल में, और क्या, ऐसा कुछ धारा 299, 300। अब अगले विषय पर चलते हैं। धारा 41 में ऐसे बहुत सारे क्लॉज हैं, लेकिन चूंकि एक क्लास में आपको एनलाइटन करना है तो सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, मोटा मोटी मैंने पढ़ा दिया। अब धारा 41 पर चलते हैं। धारा 41 के बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण धारा है 2009 में जुड़ी, उस धारा को कहते हैं धारा 41A, कुछ भी बोल दो, ठीक है। इसका क्या मतलब है बेटा कि पुलिस ऑफिसर के पास शक्ति है कि वो आपको नोटिस से बुला सकता है। अब मैं इसके पीछे की कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देवेश शिवा, बेसिकली क्या हुआ कि बाय द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जजमेंट में, चाहे भजन लाल हो, मैंने जोगिंदर बताया, डीके बसु बताया, ऐसे बहुत सारे जजमेंट आए, वो एक जजमेंट आया था रमेश कुमारी वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2006 का, ऐसे बहुत सारे जजमेंट आए जहां पुलिस ने ये कहा कि यार क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। तो पुलिस वालों ने कहा, पुलिस के तरफ से जो वकील खड़े हुए थे, कि सर जांच करनी है, तो कोर्ट ने कहा कि यार क्या गिरफ्तार करके ही जांच हो सकती है? मतलब कोर्ट ने कहा कि भैया अगर तुमको जांच करनी है, यदि तुमको लगता है कि बिना गिरफ्तारी के भी वो व्यक्ति जिसके ऊपर तुम्हें शक है उसने अपराध किया है वो तुम्हें कोऑपरेट करने को तैयार है, काहे गिरफ्तार करके उसको बदनाम कर रहे हो, काहे गिरफ्तार करके उसकी पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज कर रहे हो, अरे दोषी होगा तब जाएगा जेल, हम बोल देंगे। तो पुलिस को कहा गया यदि जरूरत नहीं है तो FIR कर लो, इन्वेस्टिगेशन करो, थाने पे बुलाओ, उसके घर जाओ, उसको लेके जाओ जांच वगैरह करने, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, बयान वगैरह सब कुछ करो, गिरफ्तार मत करो। और सुप्रीम कोर्ट में बाद में तो बेटा ललिता कुमारी वगैरह में ये कह दिया 2014 में कि यदि 7 साल से कम का कोई अपराध है, एक अपराध है 7 साल से ज्यादा का, एक अपराध है 7 साल या 7 साल से कम का, तो कोर्ट ने कहा कि मत करो गिरफ्तार। अभी कुछ दिन पहले एक केस आया था अमरीश वाला, उसमें बेटा हाई कोर्ट ने पुलिस वाले को बहुत डांटा और पुलिस वाले को बाद में सस्पेंड होना पड़ा क्योंकि उसने गिरफ्तारी कर ली थी 7 साल से कम वाले अपराध में। कोर्ट कह रही है सुप्रीम कोर्ट मत करो, अब बहुत कोई ऐसा अपराधी है खतरनाक टाइप तो कर सकते हो, नहीं तो कोर्ट कह रही है मत करो, उसने कर लिया तो उसको सस्पेंड होना पड़ा बाद। तो मेरे कहने का मतलब है पुलिस के पास एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है, बड़ी महत्वपूर्ण पावर है धारा 41A में, वो क्या है उसे आप मेरे साथ एक बार समझने की कोशिश करिए। देखो कितनी सुंदर PPT है, पूरी ग्रीनिश, ठीक है, तुम लोग पटाखे जलाना ग्रीन वाले। द पुलिस ऑफिसर शैल यूज है मीनिंग शैल, द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस, ऑल मतलब एक दो नहीं सारे केसेस की बात की जा रही है, द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस
where the arrest of a person is not required under the provision of section 41 clause 1, issue a notice directing the person to appear before him. What does it mean? मैंने धारा 41 में आपसे दो तीन क्लॉजेस की चर्चा की, ऐसे तो क्लॉज बहुत ज्यादा है, 10 के करीब क्लॉज है धारा 41 में। धारा 41 ए कह रही है डीके बसु के जजमेंट के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया सीआरपीसी। पार्लियामेंट ने पुलिस को कहा कि देखो तुमको हम एक और अधिकार दे रहे हैं कि धारा 41 वाला जो सिचुएशन है वो एग्जिस्ट करता है। कोई हाउस ब्रेकिंग की प्रॉपर्टी के साथ है, स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, किसी के खिलाफ रिक्विजिशन वगैरह जारी हुई है और तुम्हारे पास उसके लिए सूचना आई है, तुमको शक है, कंप्लेंट है, संज्ञेय सब कुछ है, लेकिन तब भी बेटा तुम्हारे दिल से आवाज आती है कि मत करो गिरफ्तार, अच्छा व्यक्ति है, परिवार वाला है। मतलब कहने का है कि जैसे मेरे घर कोई पुलिस आए कह रहे एपी सर आपने वो अपराध किया, तो मैंने कहा ठीक है तुम जांच कर लो, कहेगी आपको गिरफ्तार करना है, हम कहेंगे अरे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, मेरा घर है, देश में बच्चे मुझे जानते हैं, मेरा सम्मान है, मेरा परिवार है, मेरी संपत्ति है, कहां छोड़ के भाग जाएंगे, यही ना डर है। क्यों गिरफ्तार आदमी पुलिस करता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है भाग ना जाए, तो कहां भागेंगे यार, पुलिस को भी लगेगा सही बात है। तो धारा 41 ये कह रही है हर उस केस में जहां भले वो सेक्शन 41 वाला केस हो जो मैं अभी आपको बता रहा था, यदि पुलिस को लगता है कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है तो पुलिस बेटा एक नोटिस देगी आपको, ठीक है, जिस व्यक्ति के खिलाफ धारा 41 की जो परिस्थितियां हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। और उस नोटिस में क्या होगा, उस नोटिस में कहा जाएगा आपको तयशुदा समय पर तयशुदा जगह आके हमें रिपोर्ट करना है। अब वो थाना भी हो सकता है, कोई और जगह भी हो सकती है। मैंने लिखा आपके लिए, जब बेटा इस तरीके की नोटिस पुलिस इश्यू करेगी तो इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, क्योंकि बेटा पुलिस कह रही है हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, और यदि वो व्यक्ति बेटा उस नोटिस की कंडीशन के साथ आगे बढ़ रहा है, जैसे पुलिस को लगता है गिरफ्तार नहीं करना है, ध्यान से समझना ठीक है। सौरभ, दीपू, सौम्या, सौम्या अगर तुम मान लो बेटा कल को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गई, आईपीएस बन गई, तो तुमको लगता है तुम तो कहीं भी गिरफ्तार कर सकती हो पूरे जिले में, तुम्हारे लिए कोई थाने की बाउंडेशन तो है नहीं, तुम्हें लगता है किसी को गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है, तुमने उसे नोटिस दी, नोटिस का फॉर्मेट बना है सीआरपीसी में। अब उस नोटिस में तुमने कहा कि इस जगह पर इस दिन आके हमको रिपोर्ट करो, कुछ कंडीशन लिख दी, शहर छोड़ के नहीं भागोगे, कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो, जब भी बाहर जाना होगा बिजनेस से घर परिवार के हमें बता के जाओगे, जब हम बुलाएंगे तब आ जाओगे, मोबाइल नहीं बंद करोगे, वगैरह वगैरह जो तुमको सही लगता है सौम्या। अगर वो व्यक्ति उन सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा तो ठीक है, मत करो गिरफ्तार, होने दो इन्वेस्टिगेशन, जाने दो मसला कोर्ट के पास, कोर्ट तय करेगा कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है कि नहीं किया, एट द लास्ट तो कोर्ट ही करेगी ना, एसपी वगैरह तो नहीं करेगा ना, डीजीपी नहीं ना करेगा, चीफ सेक्रेटरी नहीं ना करेगा, कार्तिकेय मिश्रा करेगा, क्या करेगा, क्योंकि कार्तिकेय मिश्रा जज है वो न्याय करेगा। तो कह रहा है धारा 41 से पुलिस के लिए आपके पास एक और ताकत है कि भले धारा 41 की सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट करते हो, आप उस व्यक्ति को मत गिरफ्तार करो, आप उसे नोटिस दे दो, और यदि वो नोटिस को मान रहा है तो मत करो गिरफ्तार। हां, यदि सौम्या वो व्यक्ति ऐसा है बेटा जो तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं मानता, तुम्हारी मतलब तुम बेटा एसएचओ से लेकर उस जिले की एसपी हो सकती हो, ठीक है ना, डीआईजी वगैरह नोटिस नहीं जारी करते हैं, तब बेटा आप गिरफ्तार कर लोगे। एक तुमको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे मान सम्मान, तुम्हारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर रहे हैं, तुमको मौका दे रहे हैं, घर पे रहो, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करो, और तुमको बेटा स्वैग चढ़ा है, पकड़ो इसको, पकड़ के ले आओ, ठीक है ना। यदि नोटिस के टर्म्स एंड कंडीशन को वो व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहा है तब उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। चलिए अब चलता हूं आपको धारा 42 पे लेके, ठीक है, मैंने आपको अब तक क्या बताया, धारा 41 सीआरपीसी की, कृपया अपने कॉन्सेप्ट को अपने नोट्स के साथ बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त करिए। फिर मैंने आपको दूसरी धारा बताई धारा 41 से, अब मैं आपको तीसरी धारा बता रहा हूं धारा 42, और इस बात की गारंटी ले रहा हूं पूरा जीवन इन्हीं धाराओं में बीतने वाला है तुम लोगों का। ये भूल जाओगे अकबर दीने इलाही कब चलाया, ये भूल जाओगे बादल में बिजली क्यों चमकती है, लेकिन धारा 41 41 से 42 आखिरी क्षण तक नहीं भूलोगे,
डेली इसी से काम चलाना है, समझे। और जिस क्षण भूले आलिया, हाईकोर्ट में एसपी साहब को सस्पेंड कर दी हाईकोर्ट, अरे मध्य प्रदेश में, लखनऊ में 3 SHO सस्पेंड हो गए, कानपुर में 1 ACP हो गया, दिल्ली में 1 additional SP हो गया, जिसे आप ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं। जैसे ही भूले इन नियमों को, बाकी कुछ नहीं होगा, वही सस्पेंशन, क्या हो गया, छोटा सा अपराध, अरे छोटी सी सजा है, ठीक है ना। ये बताना भूल जाओ कि औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े, या औरंगजेब की क्या पॉलिसी थी, अकबर की क्या पॉलिसी थी, राणा महाराणा ने क्या किया, चलेगा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा नहीं आएगा। जिस क्षण ये भूल गए धारा 41 के अधिकार क्या है, बस क्यों, ठीक है। बेरोजगार बाबा अपना नाम बदलो यार, यार अरुण दीक्षित क्या बात करते हो तुम, अभी बताते हैं तुम्हारे सवाल, ठीक है। धारा 42 क्या कहती है बेटा, ध्यान से समझ, हम स्लाइड नहीं पढ़ते हैं, तुम्हारे लिए लिख के लाए हैं, ठीक है, हम स्लाइड नहीं पढ़ते। धारा 42 कहती है किसी भी पुलिस अधिकारी के सामने, मान लीजिए बेटा कल को भुजबल हमारा SP बन गया, अब भुजबल साहब सब्जी लेने गए, ईमानदार व्यक्ति हैं, खुद से सब्जी लेने जाते हैं, भुजबल साहब सब्जी लेने गए, इनकी आंखों के सामने किसी व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया, असंज्ञेय, संज्ञेय नहीं, असंज्ञेय। अब असंज्ञेय अपराध को लेकर बेटा क्या नियम है कि बिना कोर्ट की परमिशन के उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, संगे में तो कर सकते हो कॉग्निजेबल में, जब बात नॉन कॉग्निजेबल की आएगी कर ही नहीं सकते, विदाउट कोर्ट परमिशन, विदाउट कोर्ट वारंट। लेकिन भुजबल भाई के सामने एक सब्जी वाले के साथ, किसी जहां से सब्जी लेते हैं, किसी व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया, असंज्ञेय अपराध मतलब छोटा मोटा अपराध, ठीक है ना, लेकिन भुजबल साहब SP साहब थे, भुजबल साहब के सामने, भुजबल साहब पकड़ लिए उसको, अब वो व्यक्ति कह रहा है अरे हम तो नॉन कॉग्निजेबल किए, नॉन का चुप, नाम बताओ, पता बताओ, एड्रेस बताओ, कहां रहते हो, अब वो व्यक्ति बेटा इनको कुछ बता ही नहीं रहा है, कह रहा उसको लग रहा है अगर हम बता दिए इनको SP साहब को तो और जो दो चार बड़े कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो भी पता चल जाएंगे, वो बता ही नहीं रहा है। अब भुजबल की ताकत है पुलिस अधिकारी के रूप में, एक तो वो नॉन कॉग्निजेबल में पहले बेटा गिरफ्तार नहीं कर सकता प्रिया योग्यता, लेकिन यदि बेटा नॉन कॉग्निजेबल उसकी आंखों के सामने हो रहा है, कहां गया जी, लिखे होंगे हम, हाँ ये देख, और वो व्यक्ति अपना नाम पता नहीं बता रहा है, तैयार नहीं हम ना बताई, तब बेटा भले उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, भुजबल भैया उसको पकड़ेंगे और ले आकर बंद कर देंगे, तब तक बंद कर देंगे जब तक वो खुद ना बता दे, या जब तक उसका नाम पता ये सारे जो पर्टिकुलर्स हैं असर्टेन ना कर लिए जाए। तो नॉन कॉग्निजेबल में भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, यह पुलिस की ताकत है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया धारा 42, ठीक है, बहुत अच्छी। आदित्य, सौम्या यादव, बात नहीं, बात केवल हमसे करो, अनुराग इन सब बच्चों को बताओ, बात केवल हमसे करो, अपने में नहीं। फिर एक बेहद महत्वपूर्ण ताकत है पुलिस की धारा 46 में, मैंने आपको अब तक क्या बताया अनुराग, धारा 41, धारा 41 ए और धारा 42, अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं धारा 46 में CRPC। धारा 46 बेसिकली बताती है गिरफ्तार कैसे करो, मतलब किसी भी व्यक्ति को, अब अनुराग भैया हमारे बहुत अच्छे हैं पढ़ने, अनुराग भैया को कल को कुछ ना कुछ बनना है, अनुराग भैया IPS बन गए, एकदम वर्दी में आए और कहे गुरुजी बनारस में एडिशनल SP बन के आए हैं, आपके थाने के और आसपास के इलाके के CO हैं, CO पोस्ट होती है एडिशनल SP की, तो गुरुजी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है, गुरुजी को दिक्कत आ भी गई, गुरु ने जी ने अनुराग को फोन किया, कह रहे प्रभु कहाँ हैं, दिक्कत आ गई, कहाँ हैं तुमको CO बनाए हैं IPS बनाए हैं, अनुराग भाई आते हैं और जिस घर से दिक्कत उत्पन्न हुई है वहां पर बेटा एकदम जैसे वो सिंघम में कूदता नहीं है, गाड़ी खुली नहीं, अनुराग भाई कूद गए उसके घर में। लेकिन अनुराग भाई को समझना होगा
एपी सर अपनी जगह, एपी सर से प्यार अपनी जगह, तुम्हारे कंधे पे लगा अशोक चक्र स्टार अपनी जगह, सीआरपीसी की धारा 46 अपनी जगह। तुम कूद जाओ स्कॉर्पियो से, मुंह के बल गिर जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार बेटा धारा 46 के अनुसार ही करो, ठीक है ना, भले पीछे म्यूजिक वगैरह बज गई है, इसीलिए धारा 46 इंपॉर्टेंट है। कैसे करोगे गिरफ्तार, है ना, गिरफ्तार करने का तरीका होना चाहिए। बहुत अच्छे, मैं बताता हूं वो तरीका क्या। अभी देखो जरा, ऐसे पकड़ के ले जा रहे हैं, ऐसे कौन करता है भाई। इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम, अदर पर्सन मतलब बेटा पुलिस वालों की लोग मदद भी तो करते हैं। पुलिस वालों ने अगल बगल वालों से कहा भाई मदद करिए, हम दो ही लोग आए हैं, फैंटम वाले कह रहे आप लोग भी मदद करिए पकड़ने में। तो कहा गया द पुलिस ऑफिसर शैल सेम एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड अनलेस देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाई वर्ड और एक्शन। कहने का मतलब है कि जब अनुराग भैया सिंघम सिंघम करके कूदे अपनी स्कॉर्पियो से, पीछे गाना बज रहा था और जाके झपट पड़े, तो उसने अनुराग को कहा चल रहे ना तुम्हारे साथ, क्या जरूरत है सर सिंघमबाजी करने की, अरे गिरफ्तार करने आए, उनको पता चल गया, चलो ले चलो। तो मेरे कहने का मतलब है धारा 46 कह रही है कि उसका कॉलर मत, ये देखो कॉलर पकड़ के ले जा रहा है। अभी व्यक्ति कह रहा है अरे प्रभु काहे बदनाम बेइज्जत कर रहे हैं यार, कॉलोनी में इज्जत है, हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, कॉलोनी की महिलाएं हैं, बड़े बूढ़े हैं, काहे हमको नहीं, पुलिस क्या है चलो पकड़ के। धारा 46 मना कर रही है, छू नहीं सकते हो तुम उसकी बॉडी को, हाँ तुम्हारा अधिकार है उसकी बॉडी को पकड़ लो, उसके कॉलर को पकड़ लो, उसके कमर को पकड़ लो, उसके पैर पकड़ लो, घसीट लो, यदि बेटा वो फोर्सिबली रेजिस्ट कर रहा है। हम ना कई लोग होते हैं लगते हैं भागने, छत पे चढ़ गए, सीढ़ी पे चढ़ गए, कूद गए बाउंड्री से, मतलब पुलिस नहीं हो गए जिन हो गया कि पता नहीं उठा के बलूचिस्तान की पहाड़ी में ले जाएगा, है ना, ऐसा भी डर होता है पुलिस का। लेकिन यदि ऐसा कोई परिस्थिति नहीं एग्जिस्ट करता है एंड दैट पर्सन जिसके खिलाफ एफआईआर वगैरह दर्ज हुए ही इज वेरी मच रेडी टू सबमिट हिज बॉडी, तो पुलिस वाले को जरूरत नहीं उसको टच करने की। दोनों के अधिकार बता रहा, पुलिस का अधिकार कब बॉडी पकड़ेगी, कब कॉलर पकड़ेगी, कॉलर पकड़ रहा है ना, कब अनुराग सिंघम सिंघम करेंगे, जब वो व्यक्ति बेटा जैकान सीकरे होगा। यदि कोई व्यक्ति जैकान सीकरे है ही नहीं, कोई व्यक्ति व्हाइट कॉलर क्राइम वाला है, तब जैकान सीकरे बनने की क्या जरूरत है, बताओ है क्या जरूरत। ये धारा 46 बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबको समझ में आया। बहुत अच्छे। सर एसपी मेरा दोस्त है बिहार का। तो नहीं, तुम्हारा एसपी दोस्त है बिहार का तो तुम किसी को पकड़ लोगे, तुम्हारा एसपी नहीं, तुम्हारा डीजीपी दोस्त हो बिहार का, डीजीपी, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तब भी बेटा कुछ नहीं कर सकते, डीजीपी साहब भी किसी को नहीं पकड़ सकते, धारा 46 सभी के ऊपर लागू है। समझ में आ रही बात। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोगों को लेके। फिर कहा गया इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट, व्हाट डज इट मीन, यदि कोई व्यक्ति बेटा फोर्स के साथ रेजिस्ट कर रहा है कि पुलिस वाला उसे ना पकड़े, मतलब होता है कि जब पुलिस वाले पकड़ने आते हैं तो घर वाले विरोध करते हैं, दोस्त यार विरोध करते हैं, साथ के अपराधी विरोध करते हैं, वो व्यक्ति खुद ही भाग रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, पुलिस वाले के ऊपर उल्टे खतरा आ गया, जिसको पकड़ने गए वो पुलिस वाले को ही मार रहा है, अब ऐसी परिस्थिति हो सकती है, तब बेटा धारा 46 क्या कहती है, द एंडेवर टू अरेस्ट और द अटेम्प्ट टू इवेड द अरेस्ट सेल्फ पुलिस ऑफिसर और अनदर पर्सन मे यूज ऑल मींस नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। पुलिस का क्या अधिकार है बेटा कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से विरोध कर रहा है तो जितना भी रीजनेबल है, मतलब क्या जितना भी रीजनेबल है, जितना भी रीजनेबल फोर्स है, कॉलर पकड़ लो, पैर पकड़ लो, कमर पकड़ लो, थपड़िया दो, मार दो, कोहनिया दो, बोरा में डाल दो, घसीट लो, घर वालों को दो चार मिला को उठा लो, कुछ कर लो, ये पुलिस की ताकत है। बस पुलिस को क्या साबित करना है, हम जब पकड़ने इनको गए तो ये फोर्सिबली रेजिस्ट कर रहे थे, ऐसा मैं नहीं कहता, दिस इज अबाउट सेक्शन 46, पुलिस का अधिकार है। अब वो जगह कह रहे हमको क्यों मारे, करे कहे क्यों मारे, भाग रहे थे ऊपर, हम भागते तुम्हारे पीछे पीछे,
कहा हमको बोरा में डाल के लाया, कितनी बेइज्जती हुई कॉलोनी में, पीछे सब लोग कह रहे थे अरे बताओ बोरा में पकड़ के गया जिसमें सब्जी चीनी आती है, तो पुलिस वाला कहेगा क्या करे, मां डंडा संडा चलाए जा रहे थे चारों तरफ से, दैट वॉज द ओनली मीन्स और द रिकॉर्ड्स अवेलेबल, इसलिए डाल दिए बोरा तुम्हारे ऊपर। ठीक है ना, बोरा इसलिए डाला जाता है कि वो व्यक्ति मूव नहीं कर पाए। बेसिकली जो एटीएस यूटीएस वाले होते हैं, एसटीएफ वाले होते हैं, स्पेशल यूनिट वाले होते हैं, बड़े ट्रेंड होते हैं, दे आर हाईली स्किल्ड ट्रेंड। हमको तो लगता है इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है हाउ टू यूज बोरा। ये लोग पता है किसी भी घर में घुस जाते हैं, मतलब सीढ़ी लगाया घर वालों को पता ही नहीं। एक बार तो मेरे एक रिलेटिव को ये सब उठा के लेके चले गए एसटीएफ वाले, उसकी पत्नी को नहीं पता चला। भाई दे आर हाईली स्किल्ड, गजब बोरा इन लोगों के पास रहता है। सो रही थी पत्नी बगल में, पता नहीं कैसे होता, सुबह उठी गई, अरे मेरा पति घर का लॉक वॉक सब बंद, सीढ़ी चढ़ के आए, छत को किए, छत से उठा के सीढ़ी से उतार के लेके चले गए। तो ये कर सकते हैं, अगर बहुत खतरनाक कोई अपराधी है, आतंकवादी है, तो आप उससे क्या कहोगे है? अच्छा तुम लोगों को मजाक लग रहा होगा, मैं आई एम रियली क्वाइट सीरियस। बहुत अच्छे, चलो तेजस देखो, तेजस का मत मानो मेरी बात, जाओ चलो। फिर धारा 46 क्या कहती है, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स राइट टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। देखो आप किसी को पकड़ने गए, ठीक है, अब वो व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर उस अपराध का आरोप है, जिस अपराध की सजा बेटा मृत्यु दंड नहीं, जिस अपराध की सजा बेटा मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं, तो कह रही है धारा 46 कि आप उस व्यक्ति के साथ फोर्स यूज कर सकते हैं यदि वो विरोध कर रहा है, लेकिन बेटा उसकी जान मत लो। लेकिन यह भी पुलिस को ताकत दे रहा है कि यदि वो व्यक्ति ऐसा अपराधी है जिसके लिए आप उसे पकड़ने गए और उस अपराध की सजा डेथ है, अगर हो जाए तो उस अपराध की सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट है और वो बाहर भागे जा रहा है, तो पुलिस को यह ताकत दी गई बेटा कि वो अप टू डेथ भी कॉज कर सकती है। मतलब जानबूझ के देखो नहीं करेगी, लेकिन अब आप समझ रहे हो, पुलिस दौड़ा रही हो, समुद्र में भाग रहा है, पाकिस्तान आने वाला है, कोस्ट गार्ड नेवी सब दौड़ा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उसके ऊपर आरोप है बेटा कि वो डेथ वाला अपराध किया है, लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला किया है, भाग रहा है, भाग, पुलिस क्या करेगी, मार देगी, पैर में गोली मार देगी, हाथ में गोली मार देगी, इधर उधर गोली मार देगी है? लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है, लास्ट रिकॉर्ड्स के रूप में होता है। अब पुलिस बेटा पकड़ने गई, जैसे वो बिकरू कांड हुआ था, वो सब बेचारे पुलिस वाले पकड़ने गए, वो जो सीओ देवानंद साहब थे एक्सपायर कर गए बेचारे, शहीद हो गए, जिनके पैर पे सब अपराधी कुल्हाड़ी से काट दिए, ये सब बेचारे गए बिकरू कांड वाले, दो तीन जीप लेके, दो तीन थानों की पुलिस लेके, वो सब एकदम तैयार बैठे थे। एक मूवी भी आई थी, हमको ध्यान नहीं है, पता नहीं कौन सी मूवी थी, मतलब दे वर सो ब्रेव, इतने दुस्साहसी, आज इनको सबक सिखा देंगे, एंड दे वर क्वाइट रेडी, और इन्होंने एम्बश कर दिया। भाई मर गए कितने पुलिस वाले, सीओ साहब का पैर काट के ले गए। अब आप बताओ पुलिस क्या करेगी, गिरफ्तार करने गई थी, ये सब ना हमला कर दिया, तो पुलिस मरबे ना करेगी बेटा, गोली ना चलाएगी। ये रियलिटी, अभी जो कानपुर वाला कांड हुआ था इसी विषय से जुड़ा हुआ कांड है। आप ऐसा मत समझना कि ये सारी चीजें बेटा तुम्हारे आसपास घटित नहीं हो रही है, बिल्कुल घटित हो रही है। चलो आगे बढ़ता हूं, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब मैं बेटा एक दूसरी धारा पे चलता हूं जिसका नाम है धारा 47। मैंने अब तक आपको क्या पढ़ाया, धारा 41 पढ़ा दी, धारा 41 ए पढ़ा दी, धारा 42 पढ़ा दी और धारा 46 पढ़ा दी। धारा 46 में एक और विषय है, धारा 46 ये भी कहती है पुलिस वालों को कि यदि महिला को गिरफ्तार करना है तो महिला पुलिस को साथ में, ये नियम है। लेकिन बेटा ऐसा भी केस आ सकता है जहां पे गिरफ्तार करने गए किसी पुलिस को, वहां पे बेटा दो एकदम महिला भी बैठी है, दोनों भी अपराधी है, AK-47 चला रही है, तो कोई बात नहीं, महिला का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, पुलिस को पकड़ सकती है। पुलिस गई बेटा, महिला के लिए एक और नियम है कि जब सूर्यास्त हो जाएगा तो सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पहले बेटा किसी महिला को गिरफ्तार ना करो। ये भी नियम है कि यदि सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त के पहले किसी महिला को गिरफ्तार नहीं करना है, कोर्ट कह रही है जरूरत नहीं है, यदि लॉ कह रहा है जरूरत नहीं है तो मत करो, लेकिन बेटा है जरूरत,
खूंखार आतंकवादी है। अब वो जो नलिनी पकड़ाई, एक केस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, ये केस आया लगभग 1994 में आया, ठीक है ना। उसमें राजीव गांधी को उड़ा दी नलिनी, है ना, उसके ऊपर ये आरोप है, उड़ा दी मतलब वो तो बची नहीं, नलिनी के ऊपर जो आरोप था। तो अब मान लो नलिनी जैसी कोई महिला है, वो बेटा मिल जाए सूर्यास्त के बाद, तो क्या कहेंगे, मैडम यही मिलिएगा सुबह, ठीक है, 4 बजे के बाद हम लोग फिर आएंगे जब एक बार सूर्योदय हो जाएगा, चीटिंग नहीं देखिए हम लोग फिर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, पुलिस की ताकत है, पकड़ लेगी तुरंत, कोई महिला सहिला का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हथकड़ी लगाएगी कहेगी चलो, ठीक है ना, ये भी बेटा पुलिस की ताकत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धारा 47 बड़ी महत्वपूर्ण धारा है, पूरी पढ़ के बताता हूं तब तुमको समझ में आएगी। धारा 47 क्या है, धारा 47 बेटा कहती है, ये जो पुलिस वाले हमारे घर में घुस जाते हैं, है ना, एक तो वारंट के साथ घुसते हैं, ऐसे भी घुस सकते हैं, तो ये जो घुसने का नियम है, इंग्रेस करने का जो नियम है कि कब पुलिस वाला मेरे घर के अंदर आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, मेरी अपनी प्राइवेसी है, मेरा अपना घर है, हम नहीं चाहते कोई पुलिस वाला आए भाई घर में, अपने बाल बच्चे हैं, बीवी हैं, बूढ़ी माता पिता हैं, मान लो मैं अकेले क्यों ना रह रहा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि पुलिस वाला कब घुसेगा। पुलिस वाला तब घुसेगा जब धारा 47 बेटा उसे एम्पावर्ड करेगी। धारा 47 उसे एम्पावर्ड कैसे कर रही है, यह पढ़ने की जरूरत है, ध्यान से पढ़ना। If any person acting under a warrant of arrest or any police officer having authority to arrest, दो विषय हैं, या तो पुलिस वाला ऐसा है उसके पास वारंट है, या तो पुलिस वाला ऐसा है जिसके पास धारा 41-42 वाली शक्ति है, समझिएगा मेरी बात को, या तो वारंट से तुम गिरफ्तार करो बल्ले बल्ले, तब तो कोर्ट ने हमें ऑथोराइज कर दिया, या तो बेटा हमारे पास ताकत है धारा 41 की, हम बिना वारंट के गिरफ्तार करेंगे, दोनों केस की बात। If they have reason to believe that person to be arrested has entered into any place to which ingress cannot be obtained, it shall be lawful in any case for person acting under a warrant and in any case in which warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape for a police officer to enter such place, such therein, and in order to effect an entrance into such place to break open any order inner door window वगैरह। ध्यान से समझना, मेरे कहने का मतलब है या तो पुलिस वाले के पास वारंट हो या तो ना हो, जिस व्यक्ति को पकड़ने गया वो किसी के घर में घुस गया, अपने घर में घुस गया, किसी गुफा में घुस गया, किसी बिल्डिंग में घुस गया, किसी मॉल में घुस गया, किसी दुकान में घुस गया, अब बेचारे पुलिस वाले बाहर हैं, क्या करें यार। पुलिस वालों के लिए कहा जा रहा है वार्निंग देके, पुलिस वालों को कहा जाएगा आ जाओ भाई घर के बाहर आ जाओ, आ ही नहीं रहा है, छुपा है, पुलिस ऑफिसर डोर नॉक करेंगे, खोल ही नहीं रहे, खिड़की वगैरह हिलाएंगे करेंगे, अगल बगल का दरवाजा देखेंगे, लेकिन यदि बेटा जो व्यक्ति अंदर छुपा है या जिसे छुपाया गया है, जिसके लिए पुलिस वाला अधिकृत है कि गिरफ्तार कर सकता है, क्या करेगी पुलिस, बैठी रहेगी, है ना। वॉट अ पुलिस ऑफिसर इज सपोज टू डू, ही कैन नॉट सिट आइडली, अरे कभी ना कभी तो ही विल कम आउटसाइड, देन वी विल मेक अरेस्ट, नो। Section 147 is empowering the police officer of this country that you can enter into that house, you can break open the door, you can break the windows of that house, कुछ भी कर लो, तोड़ दो। पुलिस वाले आपको पता है बेटा एक दया नाम का कैरेक्टर है भारतीय फिल्मी दुनिया में, एक सीआईडी सीरियल आता था, हमको लगता है उसको भर्ती इसीलिए किया गया था, दया का क्या और कोई काम तुम लोग देखे हो सीआईडी में अपार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग द डोर, कि दया तोड़ दो, सब लोग हट जाते हैं, दया आता है दरवाजा तोड़ देता है। अब ये कहा जाए कि भैया पुलिस वाले ने हाउस ट्रेसपास किया, पुलिस वाले ने हमारी प्राइवेसी को भंग किया, पुट्टू स्वामी को भंग किया, नहीं बेटा दया के ऊपर कभी ऐसा कोई मुकदमा नहीं चला, कैसे भंग किया। सेक्शन 47 इज एम्पावरिंग दया, क्या कह रही है सेक्शन 47 कि यदि आप रीजनेबली एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो तोड़ दो दरवाजा। बताओ वर्णिका बाल्यान सही है कि नहीं,
सर सीरियल और मूवी बहुत देखते हैं। नहीं नहीं तुम समझे नहीं बेटा, ये जो लॉ है, ये जो अपराध है, ये जो पुलिस है, कहां से निकल कर आया है? पिक्चरें सत्य घटना से बनती हैं, सत्य घटनाएं भी बहुत बार बेटा पिक्चरों से बनती हैं। बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं बेटा जो मूवी देख के किए जाते हैं, और बहुत सारी ऐसे अपराध और लॉ की जानकारी हमें मूवी देख के होती है, जैसे धारा 302, धारा 307। कभी पढ़े हो कक्षा UKG से लेके 12 ग्रेजुएशन में किसी किताब में पढ़े हो 302 307 अगर लॉ नहीं की हो, कैसे पता है तुमको? कौन बगल के शर्मा अंकल, वर्मा अंकल, गुप्ता अंकल तुमको दीपावली पे आके, धनतेरस पे आके बता दिए 302 बड़े इंपॉर्टेंट है? बेटा पिक्चर ऐसे ना पढ़े हो तो आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप दृश्यम नहीं देखते तो बेटा आप कैसे प्ली ऑफ एलिबाई समझ पाते? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय है, यदि मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति को पकड़ने या सर्च करने किसी मकान में घुसना है, वहां पे बेटा कोई महिला है और वो महिला ऐसी है जो पर्दा नशीन है। ये शब्द बेटा यूज हुआ है, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, CRPC में अनुराग, पर्दा नशीन महिला है। तो पुलिस वाला क्या करेगा? पुलिस वाला बेटा पूरी अपॉर्चुनिटी देगा उस महिला को कि वो अपने पर्दा में रहे, या कहेगा कि मैडम, बहन जी, दादी, अम्मा, बहन, जो भी बिटिया, तुम बेटा निकल जाओ, है ना। यदि पर्दा नशीन लेडी है तो उसको ये अपॉर्चुनिटी पुलिस वाले देंगे। धारा 47 ऐसा कहती है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था फीमेल के लिए, पर्दा नशीन के लिए, कि उनको पर्याप्त नोटिस दी जाएगी कि देखिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति छुपा है या आपके घर को हमें सर्च करना है, आप चली जाइए, ठीक है, रीजनेबल फैसिलिटी। अब वो जाने को तैयारी नहीं है तो अलग बात है। चलिए अब हम लोग चलते हैं धारा 51, बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? धारा 41, धारा 41, धारा 42, धारा 46, धारा 47। क्यों बार बार लिख रहा हूं? इसलिए लिख रहा हूं बेटा तुम्हें याद हो जाए, इसे कभी ना भूलो, और सारी जगह यूज कर सकते हो, जहां भी बेटा पुलिस का रोल आएगा, जहां भी पुलिस पर किसी कॉन्सेप्ट को आपको समझाना होगा, ठीक है। अब चलते हैं धारा 51 पे, जो बेटा कहता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, मिस्टर ए गिरफ्तार हो गए, तो मिस्टर ए गिरफ्तार हो गए, मिस्टर ए के पास बहुत सारा सोना पहने थे, 2-4 एप्पल कंपनी का मोबाइल था, कुछ डॉक्यूमेंट भी थे, बहुत सुंदर कपड़े थे, चश्मा था, सोने का दांत था। अब मिस्टर ए गिरफ्तार होने के बाद कह रहे हैं कि मेरा 2 आईफोन चोरी हो गया, 2 सोने का दांत मेरा गायब है, मेरे पर्स से पैसे गायब हैं। एक विषय मिस्टर ए के लिए, पुलिस के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि भाई मिस्टर ए को गिरफ्तार जिस समय किए, मिस्टर ए के पास जो मिलेगा वो एविडेंस। मान लो मिस्टर ए को बेटा खून के जुर्म में गिरफ्तार किया, मिस्टर ए वही वाली रिवॉल्वर पीछे खोस के चल रहे थे, उस पर उनका फिंगरप्रिंट है, उसी बंदूक से बुलेट निकली है। आप समझिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है कि उस व्यक्ति का सर्च होना चाहिए, लेकिन सर्च होना चाहिए एक विषय है, सर्च के लिए बॉडी टच करनी होगी, सर्च के लिए प्राइवेसी को वायलेट करना होगा, सर्च के लिए सामान को जब्त करना होगा, तो लॉ भी होना चाहिए। यह पुलिस का अधिकार है कि जिस मिस्टर ए को हम गिरफ्तार अभी तक करते हुए आ रहे हैं, उस मिस्टर ए की तलाशी शिवा सिंह कैसे होगी, वर्णिका कैसे होगी, हलीमा कैसे होगी, हम बतलाता हूं सागर पांडे, ठीक है। व्हेनेवर लिखा है, जब कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा किसी पुलिस अधिकारी से, यदि बेटा उसको वारंट में गिरफ्तार किया गया है और वो वारंट के अंतर्गत गिरफ्तार हुआ है लेकिन बेल नहीं ले पा रहा, वो वारंट के, ऐसे समझ लो, आसान भाषा में समझाते हैं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने कोर्ट से पूछा कि सर हमको मिस्टर ए को गिरफ्तार करना है, कोर्ट ने परमिशन दे दी, जाओ। अब बेल का प्रश्न आता है, गिरफ्तारी के बाद बेल का प्रश्न आएगा ना, तो वो व्यक्ति बेटा ऐसे अपराध में बंद हुआ है जहां पर बेटा बेल नहीं मिलती, वो व्यक्ति ऐसे अपराध में बंद हुआ है कि बेल मिलती है लेकिन वो बेल नहीं ले पा रहा है। आप समझिएगा, मैं जो विषय पढ़ाने वाला था, जो गलती से क्लास आज प्लान हो गई, कि क्या अपराध के पहले भी जमानत मिल सकती है? मिल सकती है, एंटीसिपेटरी बेल। फिर से पढ़ता हूं, समझिएगा, पहले पढ़ लेता हूं फिर समझाऊंगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से पढ़ना। व्हेनेवर A person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for taking of the bail, bail नहीं मिलेगी, murder में नहीं मिलेगी, rape में नहीं मिलेगी, बड़े बड़े अपराध में नहीं मिलेगी, कोई bail का provision नहीं, और under a warrant
which provides for taking of the bail, but the person arrested cannot furnish bail, the officer making the arrest may search such person and place in safe custody all article other than necessary bearing apparel found upon him and where any article is seized from the arrested person, a receipt will be given. कहने का मतलब है तुमको बेल नहीं मिली या तुम बेल लेना नहीं चाहते या बेल ले नहीं सकते, एकदम दरिद्र नारायण हो, गरीब हो, पुलिस ऑफिसर क्या करेगी बेटा, जो नेसेसरी अपैरल है मतलब जो अंडर गार्मेंट्स हैं, जो कपड़े हैं, जो नेसेसरी हैं, अब बेटा तुम्हारे ऐसे बाली लटक रही है, ढाई तोला की चैन है, कमर में चैन है, ये सब नेसेसरी अपैरल नहीं है, उनको छोड़ के सब कुछ जब्त कर लेगी और तुरंत आपको बेटा रिसिप्ट दे देगी, इस दिन यहां से गिरफ्तार किए, इस समय गिरफ्तार किए, ये सारी चीजें मिली, साइन करो, अगल बगल दो तीन लोगों से साइन करा लेगी। कल को तुम पुलिस के ऊपर ये आरोप ना लगाओ कि हमको फंसाने के लिए पुलिस ने जबरदस्ती फैब्रिकेट मैनिपुलेट किया है किसी एविडेंस को। समझ में आ रही है बात? जैसे पुलिस वाले आए बेटा जेब में आपके 5 ग्राम की पुड़िया रख दी है, आप भी निकाले कहा अरे 5 ग्राम का कोई पाउडर है, पता चला उसकी सजा 5 साल है, उसकी कीमत 20 लाख रुपया है, ऐसा होता है ना। तो यदि पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है तो पुलिस का अधिकार है, वो गिरफ्तार कर सकती है, किसी के घर में घुस सकती है, किसी के बॉडी को सर्च कर सकती है, उससे मिले सामान को जब्त कर सकती है, लेकिन बेटा रिसिप्ट देनी पड़े। उसे हम बोलते हैं सर्च मेमो, उसे बोलते हैं सीजर मेमो, मेमो देना होगा, साइन करके देना होगा, जिस व्यक्ति से करवा रहे हैं ले रहे हैं उसका भी साइन ले लीजिए, ठीक है। मधु पांडे समझ में आ रहा है बेटा पांडे जी? अब चलते हैं बेटा धारा 53, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है धारा 53। धारा 53 क्या कहता है? धारा 53 कहता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो व्यक्ति पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आपके पास, वारंट में किया बिना वारंट में किया, वो व्यक्ति चाहता है मेरा एग्जामिनेशन हो जाए मेडिकल, क्यों हो जाए? उस व्यक्ति को डर है पुलिस मारे पीटे ना यार हमको थाने में ले जाकर, उस व्यक्ति को डर है कि जिस अपराध में हमें गिरफ्तार किया गया है वो ऐसा अपराध है कि यदि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा तो मुझे सबूत मिल जाएगा। फॉर इंस्टेंस आदित्य और शिवा में लड़ाई हुई, एक मेरा बच्चा है आदित्य शाक्या, एक मेरी बच्ची है शिवा सिंह, दोनों में बेटा पटका पटकी हो गई। पुलिस आई, शिवा और शिवा के लोगों ने कहा कि आदित्य ने हमला किया था। आदित्य कह रहा हम नहीं किए, ये लोग हमको पहले मारे। पुलिस पकड़ के आदित्य को ले गई। अब पुलिस का पकड़ना आदित्य को अधिकार है पुलिस का, लेकिन पुलिस का एक और दायित्व तो है या अधिकार भी कह लो कि ये जो आदित्या हैं ये कहेंगे कि आप मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करा लीजिए, आपको इंजरी पता चल जाएगी, भाई अगर हमको मारा गया, हमको पीटा गया, हमको नोचा गया तो हमारे ऊपर इंजरी होगी, शिवा के ऊपर कोई इंजरी आपको मिल ही नहीं सकती है, जो आपको करवाना है करवाइए, मत करवाइए मेरा करवा लीजिए। मतलब पुलिस के अधिकार स्वरूप एक कर्तव्य को भी हमें समझना है कि यदि बेटा गिरफ्तारी के बाद एक्यूज्ड कह रहा है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लो तो पुलिस वाले बेटा उस मेडिकल एग्जामिनेशन को करवा ले। मान लीजिए रेप तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, उसके लिए तो अलग धारा है। आप मेरे बेसिक फंडामेंटल को समझ रहे हैं ना कि आप ये, और सबसे बड़ा विषय थर्ड डिग्री का है कि भैया गए हम एक पीस में, गए तो हमारी 200 से ज्यादा हड्डियां बिल्कुल सही थी, चुस्त दुरुस्त थी, और जब जेल से निकले 10-15-20 दिन बाद तो 3-4 जगह फ्रैक्चर था। कैसे हो गया बेटा? कैल्शियम की कमी से। आप कह रहे हैं प्रभु हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन तुरंत कराइए, कौनो विश्वास नहीं है आपके ऊपर, है ना। एंड दिस इज द राइट, दिस इज द वाइटल एंड इनहेरेंट राइट, द पुलिस कैन नॉट डिनाई दैट द अरेस्टेड पर्सन मे सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू द मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। हाँ चलो, इसी से मिलता जुलता एक प्रोविजन है बेटा 53A। हम चाहते तो 53 हटा देते, छोड़ देते, स्किप कर देते, लेकिन चूंकि मुझे 53A पढ़ाना था तो मैंने कहा फिर इसे स्किप नहीं करते, ठीक है ना। 53A बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसने रेप किया उसका एग्जामिनेशन, मिस्टर ए के ऊपर आरोप है कि मिस्टर ए ने आदित्य सागर रियांश धर्मपाल मिस्टर खान किसी महिला का रेप किया, अब मेडिकल एग्जामिनेशन तो बाद में भी हो सकता है बेटा, मेडिकल एग्जामिनेशन बाद में होगा तो एविडेंस तो खत्म हो जाएगा, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनसे जुड़ा एविडेंस तो खत्म हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर रेप का आरोप है तो कहा यह जा रहा है
धारा 53A में कि जो पुलिस वाले उसको पकड़ रहे हैं, पुलिस अधिकारी उसे पकड़ रहा है, ये पुलिस अधिकारी की पावर होगी, ये अमर सोनी की पावर होगी कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराए, और उस मेडिकल एग्जामिनेशन में वो एक्यूज्ड ये नहीं कह सकता है मेरी राइट टू प्रिवेसी, मेरा अधिकार है, मेरे पास आर्टिकल 20 है, मेरे पास सेल्फ इंक्रिमिनेशन से जुड़ा फंडामेंटल राइट है, मेरे पास आर्टिकल 21 है, मेरी लिबर्टी, कुछ नहीं। पुलिस का अधिकार है कि आपके ऊपर आरोप है कि आपने रेप किया तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इससे जुड़ा लॉ बेटा बड़ा महत्वपूर्ण है, लंबा चौड़ा है, एक एक करके बताएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, ध्यान से पढ़ना और समझना। जब कभी भी बेटा कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, when a person is arrested on a charge of committing an offense of rape or attempt to commit rape, मतलब रेप हुआ नहीं, अटेम्प्ट किया गया है ना, रेप हुआ नहीं, एक होता है रेप, मतलब अब रेप की परिभाषा तो बहुत वाइड हो गई 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बाद, लेकिन एक बेटा रेप ऐसा भी होता है जिसको आप कहते हैं अटेम्प्ट टू रेप, जैसे प्री इजैकुलेशन होता है ना, और मतलब आप अगर आप 2013 की परिभाषा पढ़ोगे तो उसमें बहुत मतलब इतना वाइडेस्ट फॉर्म दे दिया भारत की सरकार ने, पार्लियामेंट ने, कि छोटी से छोटी घटना भी रेप हो सकती है। छोटी छोटी मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं छोटा अपराध, मतलब जो पुरानी मान्यता थी, पुरानी धारणा थी, पुराना लॉ था, उसके मुकाबले छोटी से छोटी घटना भी रेप की शक्ल ले सकती है। तो कह रहा है धारा 53 कि या तो रेप हो जाए या तो रेप का अटेम्प्ट हो जाए, और ये जो पुलिस अधिकारी है इसके पास बेटा रीजनेबल ग्राउंड है इस बात के विश्वास के लिए कि यदि हमने इस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन करा लिया, यदि हमने इस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन करा लिया, हमको सबूत मिल जाएगा। मतलब बेटा ये कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है कि करवाना ही करवाना है, सब जगह होता है, जो विक्टिम है उसका भी होता है, जो एक्यूज्ड है उसका भी होता है, लेकिन धारा 53 ने पुलिस को ये ताकत दे रही है। देने का मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज ही करो, पुलिस वाले को लग रहा है कि यदि करा लिया गया दैट विल अफोर्ड एन एविडेंस, हमें एविडेंस मिल जाएगा। फिर बेटा पुलिस वाला क्या कहेगा, पुलिस वाला बेटा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को कहेगा, ठीक है, पुलिस वाले के लिए ये विधि जन्य होगा कि वो किसी झोला छाप को नहीं अपितु रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को कहेगा, और यदि बेटा उसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं मौजूद है तो जहां पर घटना हुई है उसके 16 किलोमीटर के अंदर तक यदि बेटा कोई डॉक्टर है तो पुलिस वाला कह सकता है इसकी जांच करिए और इसकी रिपोर्ट सबमिट करिए, इसकी जांच करिए, इसकी रिपोर्ट सबमिट करिए। समझ में आ रही है बात? अब ये 16 किलोमीटर का जो फॉर्मूला है ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मान लीजिए बेटा किसी पहाड़ी पर किसी रेप के एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया, पहाड़ी से नीचे आने में ही बेटा 30 किलोमीटर हो गए, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, ए 16 किलोमीटर नहीं 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 रीजनेबल है। अब ये बेटा रिक्वेस्ट कौन कर सकता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सब इंस्पेक्टर से ऊपर का अधिकारी, या तो सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के ऊपर क्या होता है, सब इंस्पेक्टर के ऊपर बेटा होता है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के नीचे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नीचे दीवान, सिपाही, होमगार्ड, पहरी वगैरह वगैरह, तो SI इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के ऊपर DYSP, उसके ऊपर बेटा ASP, उसके ऊपर बेटा SPRASP, फिर SSP, फिर DIG, फिर तो कोई पूछना ही नहीं है। तो SI है SI के ऊपर का अधिकारी, मतलब अब सिपाही पकड़ ले, सिपाही जाके कह दे बेटा सिपाही नहीं करा सकता, ASI एक स्टार वाला ASI होता है, दो स्टार वाला बेटा SI होता है, तीन स्टार वाला बेटा वो होता है इंस्पेक्टर होता है, एक अशोक चक्र और एक स्टार के साथ बेटा वो CO होता है। तो SI सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर से ऊपर वाला व्यक्ति इस तरह के मेडिकल एग्जामिनेशन को करा सकता है, ठीक है। अब धारा 54 पढ़ लिए, 41A पढ़ लिए, 42 पढ़ लिए, 46 पढ़ लिए, 47 पढ़ लिए, 53 पढ़ लिए, अब बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं 54। अच्छा 53A भी तो पढ़ लिए, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे धारा 54। धारा 54 क्या कहती है, धारा 54 कहती है बेटा जब किसी भी whenever a person is arrested At the time when he is produced before magistrate or at any time during the period of his detention in custody, that examination of his body will afford an evidence
which will disapprove the commission by him of any offense, the magistrate shall, if requested by the arrested person, so to do direct. मतलब जो मैंने अभी आपको धारा 54 बताया उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है कि बेटा वो accused person कह सकता है, ये मजिस्ट्रेट की ताकत है कि कह देगी कि अरे भाई लेके जाओ, इसका एग्जामिनेशन वगैरह कराओ। ये कह रहा है एक बार एग्जामिनेशन हो गया तो मेरे ऊपर जो चार्ज लगा है वो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, सबूत मिल जाएगा, नई टेस्टिमोनी मिल जाएगी, नया एविडेंस खड़ा हो जाएगा। तो धारा 54 बेटा ये अधिकार देती है। चूंकि मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए इस विषय को दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, अभी लेक्चर बाकी है। सीआरपीसी कि जितनी मैंने धाराएं आपसे चर्चा की यह सभी अध्याय 5 में दी हुई। अध्याय 5 मतलब बेटा, अध्याय 5 सीआरपीसी का अरेस्ट से जुड़े प्रावधानों को बतलाता। अब आपको क्या करना है, और भी बहुत सी धारा हो सकती है, जैसे एक धारा है सीआरपीसी में कि जब भी आप किसी को गिरफ्तार करोगे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताओ। अब आप समझो, तुम हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तुमको उस धारा की जानकारियां नहीं है, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रिहेंशन, ये धारा है एक भैया, तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस वाले तुमको बता ही नहीं रहे कि हम कितने लोगों को गिरफ्तार किए। एक और धारा है कंट्रोल रूम बना दीजिए, एक और धारा है कि पुलिस वालों को बेटा ये अधिकार है कि अक्यूज को कहे कि भैया तुम अपने लॉयर वगैरह को बुला लो। खैर लेक्चर बहुत लंबा हो जाता, मैंने महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई, कब गिरफ्तारी होगी, कब बिना वारंट के होगी, कब नॉन कॉग्निजेबल में होगी, कब घर सर्च करोगे, कब शरीर सर्च करोगे वगैरह वगैरह, कब फोर्स यूज करोगे, कब डेथ कॉज करोगे। आपको क्या करना है, इस लेक्चर का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे आपको रियलाइज करना है कि जितनी मैंने धाराएं बताई उन सबको तुम याद करो। दो केस लॉ बताए, केस का नाम फिर से लिख देता हूं। एक केस है जोगिंदर कुमार का केस, मैं भी टेलीग्राम पे भी लिख दूंगा। फिर एक केस है डी बसु वाला, फिर एक केस है ललिता कुमारी। ये आया 1994 में जस्टिस आनंद, ये आया 1996 में, नहीं ये वेंकट चलिया, ये जस्टिस आनंद और ललिता कुमारी में बेटा उस समय के चीफ जस्टिस थे, क्या नाम था उनका, सदाशिवम साहब थे क्या, नहीं चंद्र, वो चंद्रमौली जी, जस्टिस चंद्रमौली, ठीक है ना। तीन जजमेंट, ये सारी धाराएं मैंने आपको बता दी। अब आप मुझे बताओ आपके मन का क्या डाउट है, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, ठीक है ना। सारे बच्चे बताओ, किसी के मन में किसी भी तरीके का डाउट हो, इस समय फ्लैट 25% चल रहा है, फिर से बता रहा हूं, ठीक है ना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसे भी एडमिशन लेना है बेटा मुझसे एक बार टेलीग्राम पर बात कर लो, ठीक है ना। डिस्काउंट को लेकर, बेस्ट ऑफर को लेकर, कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, क्या कंफ्यूजन है, मुझसे बात करो। यदि हमसे मदद लेनी है ना, मेरे साथ पढ़ना है ना, तो दुनिया की अफवाहबाजी में नहीं पढ़ना है, हमसे बात कर लो, सर क्या सही है, क्या गलत है, क्या बेस्ट हमें मिल सकता है। इस समय फ्लैट 25% मिल रहा है, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर डिस्क्रिप्शन में होगा। सर मेरे ऊपर 307, 371, 389, 19 लगा है, क्या करें, 507, 520, 20 लगा हुआ है। देखो बेटा झूठ मत बोलो, ठीक है ना, हम कोई ऐसे टीचर नहीं है, तुम बोल दोगे और हम कहेंगे अरे, हम एक लॉयर है, ठीक है ना। और मान लो बेटा, अगर हम मान के चलते हैं कि तुम्हारे ऊपर लगाई है, तो बेटा मुकदमा लड़ो, इसमें कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है। हम तो महीने भर में ऐसे 10 लोगों से मिल रहे हैं जो रेप और मर्डर के अक्यूज हैं, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, लगते समझो मेरी बात, बिल्कुल इलिजिबल नहीं हो बेटा, ये सब जो धाराएं हैं आप बिल्कुल इलिजिबल नहीं हो। सर जो अपराधी है वो अनाथ है, उसका कोई चल अचल संपत्ति नहीं है, तो पुलिस किस बात पर रिहा करेगी। मतलब तुम कह रही हो कोई ऐसा व्यक्ति है उसका कोई परिवार नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, तो बेटा फंडामेंटल राइट के आधार पर रिहा कर देगी, कोर्ट करेगी ना, पुलिस नहीं करेगी।
ठीक है ठीक है सर, आज बहुत अच्छा लगा क्लास में। ठीक है फिर गुरुजी 50% डिस्काउंट करा दो। ये बेटा कोई सब्जी की दुकान तो है नहीं, है ना? तो जो मिल रहा है उसे लो, पैसा बचाओ और इतने बढ़िया एजुकेटर्स हैं उनके साथ आगे बढ़ो। तो चलिए अब चलते हैं। आज रात को एक मॉक होने वाला है, सिलेबस मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। नहीं नहीं यार, ये तो रखा था। चलो कोई बात नहीं, आज रात को 10 बजे मॉक होगा, मैं टेलीग्राम पर अभी सिलेबस शेयर कर देता हूं। ये जरूरी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं बेटा कि इस बार का जो कॉम्बैट है, अगर आप टॉप परफॉर्मर रहेंगे तो ये सारे गिफ्ट आपके लिए, ठीक है ना? इस बार मेहनत से तैयारी करो, और जो बच्चे एडमिशन लेंगे अभी या जिन्होंने ले लिया है, तो ये जो 20 तारीख वाला मृणाल सर वाला बैच है बाइलिंगुअल, इस बैच के साथ ही बेटा आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? यदि सफल होना है तो किसी ना किसी बैच में तो एनरोल करना पड़ेगा। ये जो फ्लैट 25% मिल रहा है, इसके अलावा भी बेटा इस समय एक्सटेंडेड ऑफर है, मतलब ये 3 महीना आपको फ्री में मिल जाएगा। और ये प्रीलिम्स 2023 एस्पिरेंट के लिए मैंने आपको बताया था 9 महीनों के लिए बेटा ये कोर्स अवेलेबल है, केवल 9 महीने के लिए जिन्हें अगला प्रीलिम्स देना है, ठीक है? और मधुकर सर का ये जो बैच है सी सेट ब्लॉक योर सिलेक्शन फॉर यूपीएससी, ये भी अवेलेबल है बेटा 9,000 रुपए में। इसमें 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 13 नवंबर को है, तो बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, जिसमें बेटा आपको भारत के आईएएस ऑफिसर के साथ बैठकर पढ़ने का मौका मिलेगा कि हम आगे कैसे बढ़े, ठीक है ना? 13 तारीख को है, 1 घंटे की एक्सरसाइज है। और लोन आपको पता है बहुत आसान है, 0% पे अनअकैडमी लोन देती है आपको, ठीक है ना? मेंस ऑप्शनल दोनों की टेस्ट सीरीज है, लोन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल पैन और आधार तैयार रखो अपने अपने किसी घर वालों का, बाकी एपी सर आपको लिंक प्रोवाइड करेगा और टीम बड़ी हेल्पिंग होती है, ठीक है ना? वो तुरंत करा देगी आपका लोन। तो चलिए फिर मैं चलता हूं, कल है दीपावली, दीपावली के दिन भी क्लास चलेगी, कोई डाउट मन में मत रखना कि क्लास नहीं चलेगी, क्लास बिल्कुल चलेगी, नए विषय को पढ़ेंगे और दीपावली भी साथ में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कोई सवाल होगा तो वहीं जवाब देंगे। चलो फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन, मजा आया आप लोगों के साथ आज। धनतेरस की शुभकामनाएं फिर से आप लोगों को। अगर किसी को एडमिशन लेना है तो ये 25% वाला ऑफर मत छोड़ना, इतने में तो तुम्हारी सारी किताब आ जाएगी, ठीक है? अब मैं चलता हूं, टेलीग्राम पर मिलूंगा, फिर कल सुबह 10 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है?